तो भाई 70-80% बंदे ना गलत स्प्रिंट सेंसिटिविटी पे खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। और भाई अगर तुम लोगों को लगता है कि किसी ने 80 स्प्रिंट सेंसिटिविटी रखी है अपनी और तुमने 100 रखी है तो तुम्हारा करेक्टर उससे तेज भागेगा, तो वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है। और अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है कि आप 100 स्प्रिंट सेंसिटिविटी पे खेलो तो वो बिल्कुल गलत है। और वो गलत कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इससे पहले कि कुछ प्रो प्लेयर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान बांटें कि भाई 100 स्प्रिंट सेंसिटिविटी बढ़िया है, तो भाई पहले पूरी वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद तुम लोग खुद समझ जाओगे कि 100 स्प्रिंट सेंसिटिविटी पे तो कभी खेलना ही नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई तुम्हें स्प्रिंट सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, इससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी होती क्या है और ये कब कब वर्क करती है। तो भाई जैसा कि तुम लोगों को स्प्रिंट सेंसिटिविटी के नाम से ही पता चल रहा होगा, स्प्रिंट का मतलब होता है भागना। मतलब कि आपकी जोस्टिक के जितने पार्ट में आप लोग भाग सकते हो, मतलब कि स्प्रिंट कर सकते हो, सिर्फ उतने ही पार्ट में आपकी स्प्रिंट सेंसिटिविटी वर्क करती है। और बाकी आप जो नॉर्मली जिगल देते हो या फिर बैकवर्ड मूवमेंट देते हो ना, वहाँ पे आपकी स्प्रिंट सेंसिटिविटी काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे आप लोग भाग नहीं सकते। और गाइस काफ़ी सारे बंदों को ऐसा लगता है कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी बढ़ा देने से ना उनकी जिगल की स्पीड फास्ट हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई तुम लोग 0 स्प्रिंट सेंसिटिविटी रखो या फिर तुम लोग 100 स्प्रिंट सेंसिटिविटी रखो, तुम्हारी जिगल की स्पीड बराबर ही रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला, स्प्रिंट सेंसिटिविटी सिर्फ तभी काम करती है जब आप लोग भाग रहे होते हो। तो भाई मैंने तुम लोगों को ये तो बता दिया है कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी कब काम करती है, अब मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी काम किस तरीके से करती है और क्या इससे आपकी मूवमेंट स्पीड पर कोई फर्क पड़ता है या फिर आपकी जोस्टिक के साइज से इस पर कोई फर्क पड़ता है। तो भाई अभी मैंने स्प्रिंट सेंसिटिविटी 0 कर दी है और अभी आप लोग देख सकते हो मेरा मूवमेंट बिल्कुल बॉट की तरह हो गया है। और अभी मुझे तेज भागने के लिए अपने थंब को पूरा ऊपर तक ड्रैग करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैटर नहीं करने वाला है कि आपकी जोस्टिक का साइज छोटा है या फिर आपकी जोस्टिक का साइज बड़ा है, अगर आपने स्प्रिंट सेंसिटिविटी 0 रखी है तो भाई आपको ऊपर तक अपनी जोस्टिक को ड्रैग करना ही पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप लोग अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 कर देते हो तो भाई आप लोगों का करेक्टर कभी भी स्लो भाग ही नहीं पाएगा। अगर आप अपनी जोस्टिक को हल्का सा भी टच करोगे ना तो आपका करेक्टर वहाँ पे भागने लगेगा और आप अपनी स्लो मूवमेंट मिस कर दोगे। और क्योंकि स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 पे करके आपकी स्लो मूवमेंट मिस हो जाती है तो बंदों को लगता है कि भाई उनका करेक्टर उससे तेज भाग रहा है, तो इसीलिए वो लोग 100 पे ही खेलते हैं। पर गाइस देखो, इससे ना आपकी जो जोस्टिक की एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। अब गाइस वो 0 कैसे होती है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पर उससे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि देखो जो गेम में स्प्रिंट की स्पीड होती है ना वो सेम ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि अगर आप लोग जोस्टिक की स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 कर रहे हो तो आपका करेक्टर जल्दी स्प्रिंट कर लेगा, मतलब आप लोगों को कम ड्रैग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 0 कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा, बाकी जो आपकी मूवमेंट स्पीड होती है ना वो दोनों में ही सेम रहती है। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 क्यों नहीं रखनी है, इससे आपकी जो जोस्टिक की एक्यूरेसी है ना वो कैसे कम हो जाती है। तो भाई देखो, अभी मैंने अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 75 रखा हुआ है, मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो स्लो मूवमेंट दे सकता हूँ, उसके लिए बस मुझे थोड़ी सी अपनी जोस्टिक को ड्रैग करना है। ठीक है, अभी देखना, मुझे अभी जैसे यहाँ से जंप लगानी है तो मैं यहाँ पे इजीली जंप लगा सकता हूँ। और भाई नीचे अगर कोई बंदा कैंप कर रहा होगा तो मैं आराम से इसको मार दूंगा पीछे से आके, पर वहीं पे अगर मैं अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 कर देता हूँ ना तो भाई यहाँ पे जो मैंने अभी मूवमेंट दी थी ये मूवमेंट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और भाई बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा सा मूवमेंट देना था वहाँ पे मैं ज़्यादा मूवमेंट दे दूँ और नीचे गिर जाऊँ। और भाई ये तो बस एक ही एग्जांपल था कि आप लोगों को 100 स्प्रिंट सेंसिटिविटी पे क्यों नहीं खेलना चाहिए, ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। मान लो कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे भाई आपको बस थोड़ा सा कवर के बाहर निकल के एनिमी को मारना है, पर भाई वहाँ पे अगर आपकी स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 होगी ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि भाई आप कवर के थोड़ा सा बाहर की जगह पूरा बाहर आ जाओगे और भाई एनिमी आपको ईजिली नॉकडाउन कर देगा। और गाइस आपने ना काफ़ी सारे प्रो प्लेयर्स को ना ये वाली पीक देते हुए ज़रूर देखा होगा। अब गाइस अगर आप लोग अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 कर देते हो ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस तरह की पीक्स को यूज़ करना। और अभी आप लोग बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे, भाई मैं वो वाली पीक्स अभी दोबारा कर ही नहीं पा रहा हूँ स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 करने के बाद। अब गाइस मैं आप लोगों को इसका रीज़न भी बता देता हूँ। गाइस हम ना गेम में पीक करते हुए स्प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब अगर आप लोगों ने पीक किया हुआ है और आप अगर हल्का सा भी स्प्रिंट कर देते हो तो आपकी पीक हट जाती है। और क्योंकि आपने अगर अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 किया हुआ है तो भाई आप अगर अपनी जोस्टिक को हल्का सा भी आगे की तरफ को मूव करोगे तो भाई वहाँ पे आपकी पीक हट जाएगी। और अगर आप लोग स्प्रिंट सेंसिटिविटी को कम कर देते हो ना तो आप लोग पीक करते हुए आप लोग मूवमेंट दे सकते हो, आगे की तरफ को मूवमेंट भी दे सकते हो, आप लोग पीछे की तरफ को भी मूवमेंट दे सकते हो। पर स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 में ना आप लोग बस राइट लेफ्ट और पीछे की तरफ को ही मूवमेंट दे सकते हो, आगे की तरफ को अगर आप मूवमेंट दोगे तो आप पीक नहीं कर पाओगे।
और भाई आई गेस इतने रीजन काफी हैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 तो आपको कभी भी नहीं रखनी है। तो भाई अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई सेंसिटिविटी रखें तो रखें कितनी, हम लोगों को 100 भी नहीं रखनी है, हम लोगों को 0 भी नहीं रखनी है, 50 भी नहीं रखनी है, तो कितनी रखनी है। तो चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो। तुम में से भाई 90% बंदे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे भी नहीं, वीडियो देखते हो, तो भाई ऐसा मत किया करो यार। तुम लोगों के एक सब्सक्राइब से भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। तब तक मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम्हें स्प्रिंट सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। तो भाई देखो, अगर तुम लोगों को अपनी जॉयस्टिक को बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की आदत है ना, तब तुम लोग अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 60-70 रख सकते हो। और भाई अगर मेरी तरह तुम लोगों को जॉयस्टिक को कम ड्रैग करने की आदत है, तब तुम लोग अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 70-80 रख सकते हो। और मैक्सिमम आप लोगों को 85 रखनी है, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। और भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की स्प्रिंट सेंसिटिविटी कितनी है और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाकी यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 3000 लाइक्स का, और भाई इतना लाइक मैंने आज तक कभी भी नहीं रखा है, तो देखते हैं कि आप लोग पूरा करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।